रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म की जो थ्योरी है वो बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसमें पेन को बिना हाथ लगाए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। आपकी जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में, आपसे नहीं होगा अगर आपने नहीं देखा। क्वेश्चन ये है, एक रे आती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को ई वन से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर है मान लो, यूनिट वेक्टर है ये, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके कंपोनेंट बना लो, अगर ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्शन है, थीटा थीटा ऑल्टरनेट, तो इसका मैग्नीट्यूड वन ले लेते हैं, तो वन साइन वन कॉस, इसका मैग्नीट्यूड भी वन है तो वन कॉस वन साइन, तो इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, इस एक्सिस को इसने टी कैप लिखा, इसको नॉर्मल कैप लिखा, एन कैप, आप आई कैप जे कैप भी लिख सकते हैं, तो ई वन वैक्टर बनेगा वन साइन थीटा टी कैप वन कॉस थीटा माइनस एन कैप, वन साइन थीटा टी कैप वन कॉस थीटा माइनस एन कैप, ये रहा आपका ई वन वैक्टर। तो आपने ई वन ई टू यूनिट वैक्टर लिए हुए हैं, ई टू वैक्टर क्या बनेगा, वन कॉस थीटा एन कैप वन साइन थीटा टी कैप, ये रहा, ये ले लिया आपने ई वन वैक्टर निकाल दिया, ई टू वैक्टर निकाल दिया। अब आप एक काम करें, दोनों में से ई टू में से ई वन वैक्टर को माइनस कर दें, इसमें से इसे माइनस करके ये टर्म आ गई, इसको संभाल के रखें, तो ई वन वैक्टर इधर आ गया, तो ई टू वैक्टर आ गया, ई टू वैक्टर आ गया, इसके अंदर एक काम करें, ये ई वन वैक्टर है, ये नॉर्मल वैक्टर है, और अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 180 माइनस थीटा है, ई वन और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लें साइड पर, तो ये वन आएगा, ये भी वन आएगा, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। मैथ्स में कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ई वन एन कैप यहां पुट कर दें तो ये टर्म आएगी, इसको हाईलाइट कर लें, ये फॉर्मूला है, आपको वो प्रूफ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, तो ये फॉर्मूला है रिफ्लेक्टेड रे का, नॉर्मल का, अगर आपको इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और रिफ्लेक्टेड रे निकालना हो तो ये करना है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, न्यूमेरिकल में सबसे पहले उसने कहा कि एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ई वन कैप है, ये ई वन कैप है, आपको ई टू कैप निकालना है, आपको एक मिरर गिवन है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, और वो मिरर कौन सा प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। जब मैं बोलता हूँ वाई जेड प्लेन तो नॉर्मल कहाँ कहाँ पे आएगा, आई कैप, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये वाई जेड प्लेन है तो नॉर्मल आई कैप बनेगा, तो एन कैप यहाँ पर आई कैप है। तो तुम एक काम करो, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले में ई वन कैप गिवन है, ई वन कैप गिवन है, एन कैप क्या है, आई कैप है, एन कैप क्या है, आई कैप है, मैथ लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ऐसा बुक्स कहती हैं, बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल लंबा तरीका है, इसको तो देखना भी मत, तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये आपकी इंसिडेंट है और ये आपकी, ये आपका फाइनल आंसर है, रिफ्लेक्टेड रे है, कहाँ फर्क है दोनों में, आई कैप नेगेटिव कर दिया, तो जो भी आपका नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल कहाँ बन रहा है, आई कैप, उसको उठा के नेगेटिव कर दो, आंसर आ गया, चेक कर लो, इंसिडेंट रे है, चेंज सिर्फ प्लस का माइनस या माइनस का प्लस किस में करना है, नॉर्मल, बस ये आइडेंटिफाई कर लो नॉर्मल कौन सा कैप है, आई कैप है, तो आई कैप वाली टर्म को उल्ट नेगेटिव कर दो, आंसर आ गया। जैसे मान लो एक रे है, ये जो रे है, ये रे है, ये सबसे पहले टक्कर खाती है वाई जेड प्लेन में, जब मैं बोलता हूँ वाई जेड प्लेन तो कौन सा कैप है नॉर्मल, आई कैप, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके आंसर में ये माइनस लगा देना, क्योंकि आई कैप है ना, तो आई कैप की टर्म माइनस। फिर वो टक्कर किसके साथ खाती है, एक्स जेड, एक्स जेड का मतलब जे कैप है, तो इसको भी उठा के क्या कर देना है, नेगेटिव, आंसर मार्क, ऑब्जेक्टिव डन, हो गया। क्या करनी है वो थ्योरी पढ़ के, बस जो भी नॉर्मल है उसका साइन उल्टा कर दो, आंसर आ गया, ऐसे होएगा सॉल्व, तो सीधे रास्ते से तो हो गया सॉल्व, वो तो क्वेश्चन छोड़ने वाली बात है, सही समझ में आ रहा है। और लास्ट है रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, कुछ नहीं करना रिफ्रैक्शन में, तो यार ये भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक फॉर्मूला नोट कर लो, म्यू इसमें म्यू वन इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सॉल्व होता है, प्रूफ दिया है, जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लो, अगर जरूरत पड़े इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आता देखा नहीं,
रिफ्लेक्शन पे देखा है, ठीक।